back to my channel. I am your friend Priyanka and you are watching Famous Talk with Priyanka. Friends, आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बीटरूट हलवा है। सुन के थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सच में आप इसे बिलीव कीजिए, आप इसको एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और आप जरूर बोलेंगे कि बहुत अच्छी रेसिपी थी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दो बीटरूट लिया है, ये वेट में 1/2 kg है। इसको हम धो के छील के और फिर इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। कढ़ाई में सबसे पहले हम 1 चम्मच घी डालेंगे। हमारा घी जब मेल्ट हो जाए अच्छे से तो उसमें हम कुछ नट्स डालेंगे। जो जो नट्स आपको पसंद है आपके घर में है आप वही नट्स डालिए। तो नट्स को अगर हम घी में थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस हमको इसी स्टेज पे निकाल लेना है, हमको ज्यादा नहीं करना है इसको फ्राई, और इसको हम निकाल लेंगे। अब उसी घी में हम अपना जो हमने बीटरूट किया था कद्दूकस वो डाल देंगे। इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है, ज्यादा देर नहीं, 1 से 2 मिनट बस। अब इसको हम ऐसे ही मिलाएंगे थोड़ी देर, 1 से 2 मिनट, और हमारी फ्लेम को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख। 1 कप दूध डालूंगी। आप दूध मलाई वाला लीजिएगा तो उससे हलवे का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और वो खाने में कुछ ज्यादा ही अच्छा टेस्टी लगेगा। अब हम इस समय गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। और अगर आपके बच्चे बीटरूट नहीं खाते हैं तो आप बिलीव कीजिए, आप उन्हें बिन बताए दीजिए ये हलवे का नाम कि ये बीटरूट का हलवा है, वो इसे बहुत ही मन से खाएंगे। मेरे घर तो मैंने फर्स्ट टाइम जब बनाया था तो मेरे बच्चे वो हमेशा बोलते हैं कि इसे दोबारा बनाओ दोबारा बनाओ। बीटरूट ऐसे मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ जब ये हलवा बनाते हैं तो वो एक बार में मानते ही नहीं, 1 से 2 बार उसे उन्हें चाहिए वो खाने के लिए। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के शेयर कीजिएगा। हमारा ये बॉयल होने लग गया है हलवा जो हमने दूध डाला था, तो अब हम गैस की फ्लेम इस टाइम हम मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पे इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक इसका पूरा ये दूध सूख न जाए। हमारे हलवे का दूध लगभग सूख चुका है, थोड़ा थोड़ा सा है दिख रहा है, तो अब हम इस स्टेज पे इसमें चीनी डाल देंगे। मैंने यहाँ 1 कटोरी चीनी ली है, आप मीठा अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको चीनी डालने पे हमारा थोड़ा ये पतला सा दिख रहा है, तो जब तक चीनी का ये पूरा पानी सोख न ले तब तक हमें इसे अच्छे से पकाना है तेज आंच पे। हमें आंच को अब धीरे नहीं करना है अभी, और लगातार चलाते हुए पकाना है, नहीं तो हमारा हलवा नीचे से लग जाएगा, जलने लगेगा वो। हमारा चीनी सूख चुका है, अब हम इस यहाँ पे मैं यहाँ पे इलायची पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा फ्लेवर इससे अच्छा आता है। तो मैं 2 इलायची को अच्छे से बारीक पीस लिया था, कूट लिया था उसको, और इसको मिक्स कर देंगे। और जो मैं नट्स फ्राई किए थे उसको मैं बारीक काट ली हूँ, तो मैं थोड़े से नट्स अभी डाल रही हूँ और थोड़ा ऊपर से गार्निश करने के लिए रखूंगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे अब मैं इसमें 2 चम्मच घी डालूंगी। अभी मैंने गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है और इसमें मैं अब 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी अगर जब हम लास्ट में डालते हैं तो हलवे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और जब आप इसे खाएंगे तो आप इसे खाने के बाद मेरे ख्याल से गाजर का हलवा से ज्यादा आपको पसंद बीटरूट का हलवा आएगा, तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारा ये हलवा बनके रेडी हो गया है, अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। हमारा बीटरूट हलवा बनके रेडी हो गया है, आप इसे अपने घर में बनाइए और अपने कमेंट मुझे लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।